पानीपत लाल बत्ती चौक के निकट स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में 2500 से 3000 बच्चे दो शिफ्टों में पढ़ रहे हैं। कब किस बच्चे के साथ या किस टीचर के साथ हादसा हो जाए पता नहीं। बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने बिल्डिंग की जर्जर हालत की सूचना प्रशासन को दी है, लेकिन प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे की इंतजार कर रहा है। जान को जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और प्रशासन अपनी ढीली चाल से कार्य कर रहा है। देखिए स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने स्कूल की बिल्डिंग को लेकर क्या कहा। जी, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है और मैं 11C क्लास कॉमर्स से इंग्लिश मीडियम से हूँ और हमारे स्कूल में 2500 से 3000 तक बच्चे हैं और हम सभी जो हैं, हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई है। यहाँ पे बिल्डिंग बहुत पुरानी है और क्लासेस से लेंटर भी गिरते हैं, बच्चों को भी इंजरी हो सकती है, टीचर्स को भी, और 2-3 बार हमारे क्लास में गिर चुका है लेंटर, वो टीचर्स के ऊपर भी गिर चुका है, बच्चों के भी। इससे हम बच गए हैं, लेकिन ये वो कुछ भी हो सकता है, इससे इंजर हो सकते हैं बच्चे। तो हमारी सुबह शाम की शिफ्ट है, सभी बच्चे आते हैं और हमारी क्लास में 30 से 40 तक बच्चे हैं। सभी बच्चे बैठते हैं, गर्मी लगती है तो आगे भी बैठते हैं, तो ये मलबा जो है आगे से गिरता रहे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग पूरी सही किया जाए, हमारी क्लास में लेंटर को सही किया जाए। क्या नाम है आपका? रजनी। यहाँ आप पढ़ते हो, छत आपके ऊपर गिरती है मच्छर, तो कभी हुआ कभी ऐसा? हाँ जी, ऐसा हुआ है। बारिश में आती है तो बारिश में आती है तो गिरने का डर बना रहता है, और ये सरिये वगैरह भी है, इससे बारिश के सारे बेंच गंदे हो जाते हैं जिससे हमारे ऊपर पानी आ सकता है। कभी गिरा भी है कचरा आपके ऊपर? हाँ जी, 2-3 दिन पहले हमारे ऊपर पानी भी गिरा था और ऊपर से जो प्लास्टर वगैरह थे ये भी हमारे ऊपर गिरे थे। तो कभी आपने अपने टीचर को बोला ये बात? हाँ, बोला है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम करवाएंगे। ठीक है, कभी दूसरी जगह बैठाने की बात बोलते हैं जब ऐसा कचरा गिरता है, बाहर निकालते हैं कमरे में बिठा के रखते हैं आपको? कमरे में ही बिठा के रखते हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? मैं सभी प्रिंसिपलों की, और ये मुद्दा भी उठाया कि किसी स्कूल में अगर जर्जर हालत में कोई बिल्डिंग है तो उसको कंडम घोषित कराएं। तो अपने ही स्कूल की हालत, यहाँ लाल बत्ती स्कूल की ऐसी हालत हुई पड़ी है। कई बच्चों ने बताया कि उनके सर पे कई बार लेंटर से प्लास्टर भी गिरा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसकी हमने प्रोसेस शुरू की हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, PWD से हमारी फाइल ओके हो करके ADC ऑफिस में गई हुई, और अभी जल्दी हम ADC मैडम से मिल करके उसको। जैसे सर ये बरसातों का ये सीजन चल रहा है, कभी भी जैसे 2500 से 3000 बच्चा पढ़ता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है? नहीं, खैर हम सावधानी बरत रहे हैं। 2 कमरे तो बिल्कुल कंडम है, उनको तो हमने बंद ही कर रखा है, और बाकी अब जब तक वो कंडम नहीं होती तब तक इसका कोई सलूशन निकलता नहीं। ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी ये स्कूल डबल शिफ्ट चलता रहा है, और अभी हमारे पास 40 के करीब कमरे नए बने हुए हैं, डबल शिफ्ट में हमारा काम चल जाएगा, शिफ्ट करने की नौबत नहीं आई। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हीरामल भार्गव, प्रिंसिपल मॉडल संस्कृति स्कूल, जीट रोड पानी।